गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस 8th क्लास, यू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीड्यू। हनीड्यू में आज हम ज्योग्राफी लेसन स्टार्ट करेंगे। यस, पेज नंबर 35, ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, भूगोल का पार्ट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एट दिस टाइम, सो यू लिसन मी अटेंटिव स्टूडेंट्स। कैन यू इमेजिन, इमेजिन का मीन्स है कल्पना करना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है। इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet अबव द ग्राउंड, अबव मीन्स ऊपर, यदि जमीन से आप 10,000 feet की ऊंचाई से इसे देखते हैं। नीटली प्लांट एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन। नीटली प्लांट, NEATLY नीटली, PLANNED प्लांट, इसका मीन्स ये है कि हम बहुत अच्छी सुनियोजित योजना बनाएंगे। एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, और उस प्रोपोर्शन में पूर्ण रूप से हम सफल होंगे। लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन कहता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह से हम इस पोर्शन को तैयार करेंगे। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट कहते हैं, यदि आप कुछ बिल्कुल अलग पाते हैं फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, कहता है कि वास्तव में ऊपर से आपको वह बिल्कुल अलग नजर आएगा। हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यह कवि के बारे में वर्णन दिया गया है, ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, कहता है शहर के जो व्यूज हैं, शहर के लोगों के जो व्यूज हैं उनके बारे में वर्णन इस लेसन में दिया गया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और इसे देख के हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के क्वेश्चन, कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जेट मीन्स विमान, जब एक विमान स्प्रैंग इनटू द स्काई आकाश के अंदर जा रहा होता है, उड़ान भर रहा होता है। इट वॉज क्लियर वही द सिटी, शहर वहां से स्पष्ट दिखाई देता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, डेवलप्ड मीन्स विकसित, कहता है वह अपना रास्ता विकसित कर चुका होता है। सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, सीइंग इट इसे देखकर स्केल्ड 6 inches टू द माइल्स, कहता है 6 inch से लेके और मिलो दूर तक क्लियर दिखाई देता है एक जेट में से। देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी को इनवाइटेबिलिटी आमंत्रित किया गया। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजार्ड्स, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, और जब हम जमीन के ऊपर होते हैं हैड लुक्ड हैपजार्ड्स, तो उस समय हमें जोखिम भरा दिखाई देता है। अनप्लांट बिना नियोजित योजना के, अनियोजित योजना के, एंड विदाउट स्टाइल और बिना किसी शैली के, यानी कि जिसके किसी प्रकार की कोई योजना नहीं होती वह ऐसा नजर आता है। When the jet sprung into the sky, जब विमान आकाश में से जा रहा होता है, sprung means होता है छलांग लगाना, उछलना, लेकिन यहाँ उछलने का मीन्स किससे है, क्योंकि विमान जो है जेट है उसका रास्ता ही स्काई है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 feet की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, it was clear by the country. इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट सी बात थी वाई द कंट्री कि देश ऐसा क्यों नजर आता है। हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, हैड सिटीज, सिटीज मीन्स शहरों में, वेयर द रिवर्स रन,
जहां जिस शहर में नदी बहती है एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड एंड और वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड और घाटी जो है वो इतनी अधिक पॉपुलेटेड क्यों है, घाटियों में इतनी ज्यादा जनसंख्या क्यों मिलती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यह भूगोल का सबसे बड़ा तर्क है, लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, वह भूमि और पानी जो कि एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वाज क्लियरली डिलिनेटेड, जो कि उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब एक जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब एक जेट 6 miles की ऊंचाई पर जा रहा होता है, 6 मील की ऊंचाई पर होता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो वहां से स्पष्ट दिखाई देता है कि पृथ्वी गोल है, यानी कि पृथ्वी की आकृति वहां से क्लियर नजर आती है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर शी देन लैंड, और जब वह समुद्र से पृथ्वी की तरफ होता है, जमीन की तरफ होता है, तो उस समय भी क्लियर नजर आता है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ही मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है, व्यक्ति पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी पर रहता है, मानव का निवास पृथ्वी पर है। काजिस टू हैच ईच अदर, हेट मीन्स घृणा, और एक दूसरे से घृणा करने का कारण भी कुछ है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, बिल्ड वॉल्स, वॉल्स मीन्स दीवारें, अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस मीन्स आर पार, मानव के द्वारा शहर के आर पार दीवारें खड़ी की जाती हैं, दीवार बनाई जाती हैं। एंड टू किल, और उसे नष्ट भी की जाती है। किल मीन्स क्या होता है, मारना। फ्रॉम दैट हाइट, कहता है कि उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इस ऊंचाई से स्पष्ट दिखाई नहीं देता वाई, ऐसा क्यों है। अब वह कहता है कि ऐसा क्यों है। ग्लोसरी, अब इसकी ग्लोसरी दी हुई है, ग्लोसरी में देखिए, इनवाइटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अवॉइड मीन्स बचना, जिससे बचा नहीं जा सकता। हैपेजार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना किसी योजना और आदेश के। डिलिनेटेड शोन, प्रदर्शित करना, दिखाना। फाइंड 3 or 4 फ्रेजेस इन स्टेंजा 1 and 2, कहता है कि 3 or 4 फ्रेज स्टेंजा में से निकालिए, 1 or 2, 1 or 2 विच आर लाइकली टू अकर इन ए ज्योग्राफी लेसन, जो कि ज्योग्राफी लेसन से संबंधित हैं, ज्योग्राफी से संबंधित है। देखिए, एक तो 10,000, दूसरा इसमें सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल्स, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट देखिए, 3 ऐसे फ्रेज हमें निकालने हैं जो कि ज्योग्राफी लेसन से रिलेटेड है। इसमें फोर्थ लाइन देखिए, फर्स्ट है सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल्स, कहता है 6 inch से लेके और माइल, 1 mil तक हम देख सकते हैं। सेकंड इसमें दिया है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तीसरा इसमें दिया है, द वैलीज वर पॉपुलेटेड, घाटी जो है वो किस प्रकार से जनसंख्या से भरी हुई है। इसके अलावा हम दूसरे भी दे सकते हैं, दूसरे रीजन भी, दूसरे फ्रेज भी दे सकते हैं। सीइंग फ्रॉम द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीइंग फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की विंडो से जब हम देखेंगे, द सिटी अपीयर्स, तो शहर हमें कैसा दिखाई देता है। एज हैपेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, कहता है जमीन पर एक क्रम
और एक योजना के बिना दिखाई देता है, एज नीट एज ए मैप, इतना साफ जितना कि नक्शे में, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, इतना विकसित किया गया जितने की आवश्यकता है। माइक द राइट आंसर, इसके राइट आंसर को आपको टिक करना है, नीट एज ए मैप। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कहता है ज्योग्राफी का लॉजिक से संबंधित कौन से एग्जाम्पल्स इस स्टेटमेंट में नीचे दिए गए हैं। देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर्स, कुछ शहर हैं वेयर देर आर रिवर्स, जहाँ नदियाँ हैं। सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles अबव द ग्राउंड, वे शहर जो भी जमीन से 6 miles की ऊंचाई पर नहीं दिखाई देते हैं। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना बहुत आसान है। वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि घाटी जो है वह घनी जनसंख्या वाली क्यों है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना मुश्किल है। वाई ह्यूमंस हेट, कि मानव घृणा क्यों करते हैं। एंड किल वन अनदर, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। एंड इट हैज मोर सी देन लैंड, और यह पृथ्वी से भी समुद्र से भी अधिक इसमें, जमीन से अधिक इसमें पानी है। मेंशन टू थिंग्स दैट आर, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लॉजिक हैं, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लॉजिक स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं। मेंशन टू थिंग्स दैट आर, अब नीचे दो चीज दी गई हैं, क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई का से स्पष्ट होना, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से स्पष्ट नहीं होना। ये सभी हमारी सिर्फ जानकारी के लिए है ये लेसन, और इस जानकारी के लिए हमने इस लेसन में 3 logics गेन किए हैं। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का मीन से, ग्लिम्पसेस का मीन से होता है झलक, ऑफ द पास्ट भूतकाल की, भूतकाल की झलक के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन, यू नोटेड योर होमवर्क। होम असाइनमेंट में फर्स्ट है आपका डू लेसन रीडिंग, इसमें आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस पोएम इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, ये आपकी ज्योग्राफी के नॉलेज से संबंधित है। फाइंड हार्बर, आप इन्हें याद भी करें। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट ईयर।